तो वहीं बहादुरगढ़ में हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में असली आजादी मिली है, कांग्रेस की सरकार में लोगों को बोलने की इजाजत नहीं थी। साथ ही कहा कि कांग्रेस 65 साल में घरों में पानी तक नहीं दे पाई है, कांग्रेस ने इतिहास को भुलाने का काम किया। तो वहीं रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने कहा है कि शहीदों ने शहादत देकर स्वतंत्रता दिलाई, अब आजादी को बरकरार रखना हमारा दायित्व है। छोड़ने के बाद हमको लगता है इसमें कमी रह गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आज कांग्रेस के सरकार में तो बोलने के लिए जागा तक नहीं थी, इनको तो आज किसी धारा ला के बैठा हुआ था। आज हम लोग असली स्वाधीनता, असली फ्रीडम भारतवासी को किसी को किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद हमारे देश में असली फ्रीडम, असली स्वाधीनता, असली हक हमको मिला है। शहीद दिवस है, शहीदों का नमन करते हैं और शहीदी दिवस के उपलक्ष में नीना राठी जी ने, सतपाल राठी और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और आपने देखा शहीदों की प्रतिमाएं लगाई हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं। उन सभी डोनर्स को जिन्होंने ब्लड दिया है उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से आप लोग लगे जाए, आपकी एक एक बूंद किसी न किसी के बहुत ही काम आएगी।